कैबिनेट ने एक अहम फैसले में नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में लिम्पिया धुरा कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानी शारदा नदी का स्रोत दरअसल लिम्पिया धुरा ही है, जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। भारत इससे इनकार करता रहा है। नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क के उद्घाटन के 10 दिनों बाद आया है। लिपुलेख से होकर ही तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था। भारत के कदम का विरोध काठमांडू में नेपाल की संसद से लेकर काठमांडू की सड़कों तक दिखा। दरअसल 6 महीने पहले भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया था। इस नक्शे में लिम्पिया धुरा कालापानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था। नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है। नेपाल के कृषि और सहकारिता मामलों के मंत्री घनश्याम भूसाल ने कांतिपुर टेलीविजन से कहा, ये नई शुरुआत है, लेकिन ये नई बात नहीं है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि महाकाली नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का है। अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर उसे नक्शे में भी शामिल कर लिया है। हालांकि घनश्याम भूसाल ने ये भी कहा है कि इस मसले पर आधिकारिक हल के लिए भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत कोविड-19 संकट के खत्म होने के बाद हो सकती है। सोमवार को हुए नेपाली कैबिनेट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार अपने अधिकारियों और स्थानीय निकायों को सरकारी दफ्तरों में इस नए नक्शे के इस्तेमाल के लिए कहेगी। इस नक्शे को शैक्षणिक संस्थानों में भी पढ़ाया जाएगा और दूसरे साझेदारों के साथ शेयर किया जाएगा। कालापानी और गुंजी के रास्ते लिपुलेख तक नई सड़क के उद्घाटन के भारत के एक तरफा फैसले के बाद नेपाल ने कालापानी और लिपुलेख क्षेत्रों पर अपने पुराने दावों को फिर दोहराया और काठमांडू में भारत के राजदूत और भारतीय विदेश मंत्रालय को नेपाल की चिंताओं से अवगत कराया था। इससे पहले नेपाल ने कहा था कि भारत ने जिस सड़क का निर्माण उसकी जमीन पर किया है, वो जमीन भारत को लीज पर तो दी जा सकती है, लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता। बुधवार को लिपुलेख विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है। लिपुलेख में कथित अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोहराते हुए कड़े शब्दों में कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है। उत्तराखंड के धारचूला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धारचूला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया था। भारत चीन के बीच हुए समझौते को लेकर नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया था। नेपाल का कहना है कि इस समझौते के लिए ना तो भारत ने और ना ही चीन ने उसे भरोसे में लिया, जबकि प्रस्तावित सड़क उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी। इस सप्ताह जब काठमांडू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे, तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा फैसला किया। उसने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आर्म्ड पुलिस फोर्स APF की एक टीम भेजी है। कालापानी से लगे छांगरू गांव में APF ने एक सीमा चौकी स्थापित की है। APF का ढांचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरह ही है। साल 1816 में हुई सुगौली की संधि पर
दस्तखत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार तीन देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। दो साल तक चले ब्रिटेन नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई थी, जिसके तहत महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके की जीती हुई जमीन पर नेपाल को अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। काला पानी विवाद के बाद इस सप्ताह लिपुलेख को लेकर काठमांडू में हुए विरोध प्रदर्शन और भारत नेपाल के कूटनीतिक घमासान से एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है। हालांकि विवाद के कुछ एक मुद्दों को छोड़ दें तो दोनों देशों के संबंध हाल के समय में तकरीबन मधुर ही रहे हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली ने कोविड-19 की महामारी के खिलाफ एकजुट रहने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन लिपुलेख में भारत के सड़क बनाने की घटना ने कई नेपालियों को नाराज कर दिया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ये स्पष्ट करना पड़ा कि नेपाल अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक पैदा हुए लिपुलेख विवाद के कारण क्या भारत नेपाल मैत्री खत्म हो जाएगी? महाकाली नदी के उद्गम वाला ये पहाड़ी इलाका नेपाल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और ये सवाल भी उतना ही मायने रखता है कि लिपुलेख भारत के लिए भी रणनीतिक दृष्टि से इतना अहम क्यों है? नेपाल भारत संबंधों पर कई भारतीय विश्लेषकों का कहना है कि सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भूगोल की दृष्टि से कोई भी दो देश इतनी नजदीकी नहीं रखते हैं जितने की भारत और नेपाल हैं। लेकिन 1800 किलोमीटर लंबी सीमा पर दोनों देशों के दरमियान कभी न खत्म होने वाले कई सीमा विवाद भी हैं। दोनों देशों की सरहद ज्यादातर खुली हुई और आड़ी तिरछी भी है। हालांकि अब सीमा पर चौकसी के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी है। मुश्किल इस बात को लेकर ज्यादा है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। महाकाली यानी शारदा और गंडक यानी नारायणी जैसी नदियां दोनों इलाकों में सीमांकन तय करती हैं। वहां मॉनसून के दिनों में आने वाली बाढ़ से तस्वीर बदल जाती है। नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है। कई जगहों पर तो सीमा तय करने वाले पुराने खंभे अभी भी खड़े हैं, लेकिन स्थानीय लोग भी उनकी कद्र नहीं करते। सामान्य परिस्थितियों में लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना लगा रहता है। भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारी और टेक्नीशियंस सालों की साझा कोशिश के बावजूद अभी तक कोई ऐसा नक्शा नहीं बना पाए हैं जिस पर दोनों देश सहमत हों। नेपाल के सर्वे विभाग के पूर्व महानिदेशक बुद्धि नारायण श्रेष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1850 और 1856 में भारत और नेपाली अधिकारियों ने मिलकर एक नक्शा तैयार किया था। बुद्धि नारायण श्रेष्ठ के मुताबिक महाकाली नदी लिम्पियाधुरा कालापानी से उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर से निकलती है और सुगौली की संधि में इस नदी को दोनों देशों की सरहद करार दिया गया था। इसलिए इससे साबित होता है कि कालापानी नेपाल का हिस्सा है, लेकिन भारत इन नक्शों को सबूत के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करता है। भारतीय पक्ष का कहना है कि इसकी जगह 1875 के नक्शे पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें महाकाली नदी का उद्गम कालापानी के पूर्व में दिखलाया गया था। गौरतलब है कि 1875 के नक्शे पर नेपाल के दस्तखत नहीं है। काठमांडू में इस मामले पर जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि नेपाल और भारत की सीमा के निर्धारण का काम ज्यादातर पूरा कर लिया गया है, हालांकि नदी वाले इलाकों में ये काम पूरा नहीं हो पाया है। नेपाल की पश्चिमी सीमा पर महाकाली नदी और दक्षिणी सीमा पर गंडक नदी दोनों देशों की सीमा निर्धारण करती है, लेकिन यहाँ नक्शा तय करने का काम अभी भी अधूरा है। दोनों देशों के सर्वे अधिकारी और टेक्नीशियंस महाकाली और गंडक नदी पर सीमांकन के बिंदुओं के निर्धारण पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नदियों के बहाव की दिशा बदलती रहती है। इन नदियों का रुख बीते दशकों में लगातार बदलता रहा है। लिपुलेख का विवाद ऐसे ही इलाके से जुड़ा हुआ है। नेपाल का कहना रहा है कि लिपुलेख पर्वत महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर यह इलाका नेपाल का हिस्सा बन जाता है, और ये बात सुगौली की संधि में भी साफ तौर पर कही गई है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सुगौली की संधि से ब्रिटेन नेपाल युद्ध की औपचारिक तौर पर समाप्ति हुई थी। संधि की शर्तों के तहत नेपाल ने तराई के विवादास्पद इलाके और महाकाली नदी के पश्चिम में सतलुज नदी के किनारे तक जीती हुई जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया था। अगर सुगौली की संधि ये स्पष्ट रूप से कहती है कि महाकाली नदी का पूर्व का इलाका नेपाल का है, तो फिर समस्या कहाँ है?
नेपाली इतिहासकारों और सर्वे अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच गलतफहमी इस बात को लेकर है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और विवाद की जड़ यही है। इसीलिए सवाल उठता है कि महाकाली नदी कहाँ से निकलती है, लिम्पियाधुरा की पहाड़ियों से या फिर लिपुलेख से। गुंजी गांव के पास जहाँ लिपुलेख जाने वाली सीमा सड़क बीते शुक्रवार खोली गई थी, वहाँ दो छोटी नदियाँ आकर मिलती है। एक धारा दक्षिण पूर्व के लिम्पियाधुरा की पहाड़ियों से निकलकर आती है तो दूसरी धारा दक्षिण में लिपुलेख से आती है। नेपाल के विशेषज्ञ और अधिकारियों का कहना है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलकर उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तराखंड की ओर बढ़ती है, लेकिन इसके ठीक उलट भारतीय पक्ष का कहना है कि महाकाली नदी का रुख नेपाल की ओर उत्तर पूर्व में है। उनका कहना है कि लिपुलेख से निकलने वाली जलधारा ही दरअसल महाकाली नदी का स्रोत है और इसी से दोनों पड़ोसी देशों की सीमाओं का निर्धारण होता है। 8 मई को लिपुलेख के लिए सड़क मार्ग खोले जाने के बाद आई नेपाल की कड़ी प्रतिक्रिया पर भारत ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी नेपाली क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया गया है और ये सीमा सड़क कैलाश मानसरोवर की पारंपरिक धार्मिक यात्रा के रूट पर ही बनाई गई है। लेकिन नेपाली इतिहासकारों, अधिकारियों और जहां से भारत ने 8 मई को लिपुलेख जाने वाली सड़क का रास्ता खोला है, यानी गुंजी गांव के लोगों का ये कहना है कि नेपाली पक्ष के पास इस बात को लेकर पर्याप्त सबूत हैं कि सुगौली की संधि के अनुसार लिपुलेख और उस इलाके के कई गांव नेपाली क्षेत्र में आते हैं। विवाद दूसरे इलाकों को लेकर भी है। नेपाल की सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि लिपुलेख और गुंजी गांव के अलावा भारत ने महाकाली नदी के उत्तर में उससे लगे कई इलाकों पर भी अपना कब्जा कर रखा है, जिसमें कालापानी भी शामिल है। कालापानी में भारत चीन युद्ध के दौरान 1950 में ITBP ने अपनी चौकी स्थापित की थी। इसके अलावा सुदूर पश्चिम में स्थित लिम्पियाधुरा को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है। वहीं नेपाल की राष्ट्रीय राजनीति में 3 दशक से भी ज्यादा समय से महाकाली कालापानी का मुद्दा उठता रहा है। नेपाल के सर्वे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लिपुलेख और कालापानी हिमालय क्षेत्र के सुदूर इलाके हैं, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है और वहां कोई इंसानी आबादी नहीं रहती। यही वजह है कि नेपाल ने वहां सीमा सुरक्षा चौकी स्थापित नहीं की। अधिकारी ये भी कहते हैं कि सुगौली की संधि के अलावा नेपाल के पास और भी सबूत हैं, जिनमें संधि पर दस्तखत से पहले ब्रितानी अधिकारियों को लिखी चिट्ठी और उस दौर के दस्तावेज शामिल हैं। नेपाल कालापानी और गुंजी के स्थानीय लोगों की मालगुजारी रसीद और नेपाली मतदाता होने का पहचान पत्र भी सबूत के तौर पर दिखा रहा है। इसके अलावा साल 1908 में मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय संत योगी भगवान श्रीहंस और 30 और 40 के दशक में वहां जाने वाले स्वामी प्रणवानंद ने भी अपने यात्रा संस्मरणों में लिपुलेख के दक्षिण में छांगरू गांव में नेपाली सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बारे में विस्तार से लिखा है। कई नेपाली अधिकारियों और पत्रकारों ने बीते दशकों में कालापानी की यात्रा के बाद वहां के स्थानीय लोगों के पास मौजूद उनके नेपाली दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। इनमें लिपुलेख से लगे गुंजी गांव और कालापानी के आसपास के गांव भी शामिल हैं। भारत नेपाल के दावे को खारिज करता रहा है। काठमांडू में भारतीय दूतावास और उसके विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा है कि दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की वार्ता में इन मुद्दों पर बात की जाएगी। नेपाल में संसद से सड़क तक भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं और इसके बावजूद कालापानी और लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच छिड़ा विवाद सुलझता हुआ नहीं दिख रहा।